हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रेकर। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 के लिए निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर और फिर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो देखते हैं क्या लिखा है काव्यांश में। लिखा है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने हैं आपको। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, सेकंड बंधन और बेबसी के कारण, थर्ड गुंगा होने के कारण एंड फोर्थ भीतर के घावों के कारण। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गुंगा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की, सेकेंड घावों के हरे भरे होने की, थर्ड गुंगा बहरा होने की एंड फोर्थ साधन सुविधों की। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 33, रीते शब्द में भाव है। फर्स्ट ऑप्शन है अपनेपन का, सेकंड परायेपन का, थर्ड खालीपन का एंड फोर्थ खोखलेपन का। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, खालीपन का। क्वेश्चन नंबर 34, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, ऑप्शन ए कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, सेकंड ऑप्शन है कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, थर्ड कवि के जीवन में बहुत अभाव है एंड फोर्थ कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। करेक्ट होगा ऑप्शन सी, कवि के जीवन में बहुत अभाव है। क्वेश्चन नंबर 35, ड्योढ़ी का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है घर, सेकेंड देहरी, थर्ड दरवाजा एंड फोर्थ चौखट। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चौखट। क्वेश्चन नंबर 36, भीतर के घाव से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक क्षति, सेकंड घर के भीतर का अशांति, थर्ड हृदय की पीड़ा एंड फोर्थ अंदरूनी चोट। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। प्रश्न संख्या 37 से लेकर 51 तक के आंसर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर देना है। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा सीखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, सेकंड आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, थर्ड दूसरों की मन की बातों को समझ पाना एंड फोर्थ अपने मन की बात कह पाना। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को समझ पाना। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड स्किनर, थर्ड चॉम्स्की एंड फोर्थ वाइगोत्स्की। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, सेकंड भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, थर्ड सतत एवं व्यापक आकलन की एंड फोर्थ सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। क्वेश्चन नंबर 40, लिखित भाषा का प्रयोग, फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, सेकंड कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, थर्ड अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है एंड फोर्थ केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, सेकंड ऑप्शन है आकलन का काम करता है, थर्ड रोचकता और जोश लाता है एंड फोर्थ अध्यापक के काम को सरल बनाता है। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, सेकंड कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, थर्ड भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है एंड फोर्थ साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है।
42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा का अस्तित्व एवं विकास देश के बाहर नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड साहित्य, थर्ड समाज एंड फोर्थ विद्यालय। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 44, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। सेकंड, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। थर्ड, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। एंड फोर्थ, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सरल रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। एंड फोर्थ, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। सेकंड, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। थर्ड, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। एंड फोर्थ, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 47, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। सेकंड, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। एंड फोर्थ, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है। सेकंड, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। थर्ड, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। एंड फोर्थ, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। करेक्ट होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। सेकंड, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। थर्ड, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। एंड फोर्थ, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिल पाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। सेकंड, मौखिक कार्य करवाने पर। थर्ड, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। एंड फोर्थ, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। क्वेश्चन नंबर 51, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन यानी कि अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके इसके लिए आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। सेकंड, शब्दकोश देखना सिखाएंगी। थर्ड, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। एंड फोर्थ, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 52 से लेकर 60 तक के लिए आपको गद्यांश को पढ़कर फिर पूछे गए प्रश्नों के सही और उपयुक्त उत्तर को चुनना है। गद्यांश है माँ कहती है कि रमेश मीना क्यों रो रही है। फिर रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। फिर रमेश बोलता है माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी।
फिर माँ कहती है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल 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 फर्स्ट आना था तो शुरू से ही पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पे आ गई है तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे थोड़ी देर ही काफ़ी है अगर नियम से मन लगा कर पढ़ा जाए। फिर रमेश कहता है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। फिर अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, वो पढ़ने लग जाता है। फिर माँ कहती है कि अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा जन्म तो यही हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने का समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मीना और रमेश हैं परस्पर, फर्स्ट ऑप्शन है मित्र, सेकंड भाई बहन, थर्ड सहपाठी एंड फोर्थ रिश्तेदार। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दोनों भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अव्वल आ सकती थी, सेकंड अक्सर शैतानियाँ करती थी, थर्ड पढ़ने रही थी एंड फोर्थ पढ़ने नहीं दे रही थी। करेक्ट आंसर होगा 53 का हमारा ऑप्शन डी, पढ़ने नहीं दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, सेकंड खेलकूद छोड़ देना, थर्ड रात दिन पढ़ाई करना एंड फोर्थ पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, शुरू से ही नियमित पढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 55, यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने का कोई समय नहीं होता, सेकंड यह पढ़ने का समय नहीं है, थर्ड यह भी पढ़ने का एक समय है एंड फोर्थ यह पढ़ने का ही कोई समय है। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह समय पढ़ने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए, फर्स्ट परीक्षा, सेकंड प्रथम, थर्ड अव्वल एंड फोर्थ फर्स्ट। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, फर्स्ट ऑप्शन है रट्टू तोता, सेकंड लापरवाह, थर्ड पढ़ाकू एंड फोर्थ परिश्रमी। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रट्टू तोता, जो कि इसमें उसकी मम्मा भी बोली है। क्वेश्चन नंबर 58, पर तुम का भाव है, फर्स्ट ऑप्शन है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, सेकंड पर तुम पढ़ते ही रहे, थर्ड पर तुमने ध्यान नहीं दिया एंड फोर्थ पर तुमने रटना ही सीखा। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 59, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, सेकंड अमरकोट, थर्ड दिल्ली एंड फोर्थ फतेहपुरी। करेक्ट होगा 59 का ऑप्शन बी, अमरकोट। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, फर्स्ट ऑप्शन है अव्वल आना, सेकंड तोता रटंत, थर्ड पास आना एंड फोर्थ सर पर आना। 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर पर आना, यानी कि एग्जाम बहुत निकट आ गया था उसके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के तो जरूर बताइए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।